हेलो एवरीवन, हम आपको आज बताएंगे मरसूल के बारे में। जो किसी ने नहीं बताया होगा आपको वो हम बताएंगे। देखिए, मरसूल में जो है, जो पहले रजिस्ट्रेशन हो गया था वो तो ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल में जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं कर रहे हैं ये लोग। क्योंकि मैंने 3 दिन पहले 27 अगस्त को मैंने ये पूरा रजिस्ट्रेशन कर दिया, लेकिन मेरे पास अभी तक वेरिफिकेशन की, देखिए यहाँ कोरियर वाला आता है, ये नोटिफिकेशन के बाद कोरियर आता है, तो इस कोरियर में देखिए ये 2 दिन हो गया मेरे, 3 दिन, देखिए ठीक रहा है, ये देखिए ये 2 दिन लिखा हुआ ना, ये 2 दिन हो गया। ये फिर मैंने दोबारा भी एक ट्राई किया था कि ताकि कहीं हो सकता है मेरे से मिस्टेक हुआ हो, तो देखिए 1 दिन ये भी हो गया इसका भी, अभी तक इसने कुछ भी मेरे को रिप्लाई नहीं दिया है, तभी मैं क्या समझूँ। बाकी देखिए आपके सामने, देखिए 0 है मेरा नाम है, ये रिव्यू कूपन सेटिंग ये सब चीज़ हो गया। नया फीचर ये, अगर रजिस्ट्रेशन आपको करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन तो वैसे बंद है, आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता। लेकिन आपको अगर लग अच्छा हुआ, कोई ड्राइवर कोई मिस हुआ, उसके बाद आपका नंबर लग जाता है, अगर आपको करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये प्रोसेस है। देखिए ये पहले सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए और ये देखिए हाउ टू बिकम मरसूल, तो ऐसे इसको दबाइए, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद नाम, नेशनलिटी, सिटीजनशिप अपना, ये इंडिया का है, पाकिस्तान का है, वो लिख दीजिए, अकामा नंबर लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए, पूरा नाम जो अकामा पे है, क्योंकि 3 नाम लेगा, जीमेल आईडी, पासपोर्ट, उसके बाद अपना फ़ोटो डालिए, यहाँ पे अकामा का फ़ोटो है, यहाँ रिक्शा का फ़ोटो, यहाँ पे गाड़ी की मॉडल क्या है वो डाल दीजिए। अच्छा, उसके बाद नंबर प्लेट क्या है, यहाँ लिखा नहीं जाएगा, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ नंबर प्लेट लिखा नहीं जाएगा, मतलब जो नंबर है वो तो यहाँ आ जाएगा, लिखा जाएगा, लेकिन ये जो लेटर है वो नहीं लिखा जाएगा, तो आपको दूसरे जगह व्हाट्सएप में लिख कर कॉपी करके ले आकर यहाँ पेस्ट मारना होगा। जैसे GRS तो उसको GRS ऐसे करके वहाँ लिख कर पेस्ट कर दें यहाँ पर। यहाँ पर सिंपली नंबर आप अपनी गाड़ी के लिए दीजिए, कौन सा गाड़ी है, टाटा का है, बंडा कुछ भी है। उसके बाद कहाँ वर्क करते हैं आप, कहाँ वर्क करेंगे, मक्का में, तो मैं मक्का में हूँ, मक्का में करूँगा। यहाँ पे अकाउंट नंबर दीजिए, IBM नंबर, और यहाँ पे फुल एड्रेस लिख दीजिएगा। फुल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ स्क्रोल कीजिएगा। अब यहाँ पर क्या है, लाइसेंस मांग रहा है, और उसके बाद लाइसेंस, उसके बाद ये